क्रिमिनल की कोई जात नहीं देखी जाती है, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक जाति के लिए कोई अलग कानून बना हुआ है, दूसरे के लिए अलग बना हुआ है। और अफताब के केस में अभी राजकीय रंग दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का भी रंग दिया जा रहा है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, ये जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने इसको अंजाम दिया है, उसकी जात तो छोड़िए, वो पहले इंसान है क्या, पहले ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोगों को इंसान कहना भी बहुत गलत होगा, ये तो जानवरों से भी बदतर हरकत है। और जब कोई इस तरह की घटना करता है, तो मेरा ये है कि क्रिमिनल की कोई जात नहीं देखी जाती है। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक जाति के लिए कोई अलग कानून बना हुआ है, दूसरे के लिए अलग बना हुआ है। हमारी तो यही मांग है कि जिस किसी ने भी इसको इस काम को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे लोगों ने अपना एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखेगा कि ये ऐसा ऐसा केस हुआ था तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी करके। उसमें हमें इस देश के अंदर कानून को सख्त बनाने की ज़रूरत है, और नहीं हम कानून का सही तरीके से पालन कर रहे हैं, इस वजह से इस देश के अंदर घटनाएं बढ़ते जा रही है। एक निर्भया का केस होता है और पूरे पूरा देश कैंडल लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए कि महिलाओं के संरक्षण को लेकर हम क्या कायदे कर सकते हैं। इसमें हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, वॉकआउट हो जाता है, एडजर्नमेंट हो जाता है, पार्लियामेंट चलता नहीं है, कायदे वहां बनते हैं। तो हमारी ये मांग है कि इन बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए जल्द से जल्द देश के अंदर इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। नए कानून बनाने की जरूरत है तो कानून बनाना चाहिए, और वो कानून अगर बन गया तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। दिया है इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू है। शेतकरियों की आत्महत्या बढ़ रही है, लोग बेरोजगारी से परेशान है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारी उम्मीद है कि ऐसे लोग जो है इन मुद्दों के ऊपर अगर बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें ये बकवास के और फजूल की बातों के लिए ना हमारे पास वक्त है, ना हम उन्हें कोई जवाब देना चाहते हैं।